जोशी कृष्णा, मैं नीलेश जोशी, आप सबको मेरा प्रणाम। का माहौल है, दूसरी बातें बहुत कम चल रही है, लेकिन मैं एक बात आज से आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। शायद आप सोचेंगे तो आपको कुछ समझ आएगा ज्यादा, आप लोगों को भी, बहुत लोगों को मालूम होगा, ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले को मालूम है, आप लोगों को भी इसके बारे में। तो यू नो लाइक हमारा आजादी का चढ़वल चल रहा था और फिर बाद में उसको हमारा ट्रांसफर ऑफ द पावर हुआ और ये जिहादी लाल और गांधी दोनों, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो बांग्लादेश से माइग्रेट होके सऊदीया गया था, सऊदीया की एक मस्जिद में उसके पिताजी वो मौलाना, ये जो क्या बोलते हैं, जो उनके धर्मगुरु होते वो थे, बराबर है, उधर से वो भारत आए, इनके साथ जुड़ गए, लेकिन ये उनका जो अंदर क्या था वो पहचानने में थाप खा गए या जानबूझ के थाप खाई, जो भी है वो, लेकिन हमारे दूसरे भारतीय लोग उसको ठीक से नहीं समझ सके। हाँ, और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हमारे भारतीय ऐसे कैसे मूर्ख है कि ऐसे जिहादियों के मनसूबे क्या होते हैं। तो वो पहला शिक्षा मंत्री था हमारा, हाँ, तो उसने क्या किया, शिक्षा मंत्री होते हुए इतिहास की बुकों पे, इतिहास के ऊपर उसका पूरा कब्जा था, और एक शिक्षा मंत्री वो था, ऐसा नहीं है, ऐसे हमारे एक के बाद एक चार शिक्षा मंत्री आए जो लोगों ने हमारे इतिहास को मार मचोड़ के जो अपने को अच्छा लगा वो रखा, उसको क्या अच्छा लगा, मुगलों को ग्लोरीफाई करना, और हमारे जो वीर थे, वीर लड़वे थे, राजपूत थे, दूसरे लोग भी थे लेकिन मेनली राजपूत थे, और आज हम हिंदू है, राजपूतों ने बलिदान दिया, हमारे ये वॉरियर लोग ने बलिदान दिया, उसकी बदौलत हमारे हिंदू है, और हमारे में बहुत से अच्छे लोग हैं जिसने सलवार नहीं पहनी तलवार से डर के, राइट, लेकिन जो आज हमारे देश में है, कोई 30 करोड़ बोलते, कोई 25 करोड़ बोलते, कोई 35 करोड़ बोलते हैं, वो सबने तलवार के डर से सलवार पहन ली और कन्वर्ट हो गए। एनीवे, तो उसमें सबसे पहला नाम है जो हमारा वीर वॉरियर था, जिसको ये लोग ने इतिहास से हटा दिया, बप्पा रावल। बप्पा रावल 8वीं सदी में थे, हाँ, राजस्थान के गहलोत वंश के राजा थे। तो उसने जो आक्रमणकारी आते थे मिडिल ईस्ट से, मेनली तो ये सऊदीया से और इराक से आते थे, उसको मार हटा के सामना किया और उसकी तरह लड़े वो, और उसको मारते मारते बगदाद और बसरा लेके गए, उधर बगदाद और बसरा में अपनी चौकियां बिठाई, जैसे वो लोग हमारे ये थे बप्पा रावल। उसके बाद 200 साल तक कोई आक्रमणकारी भारत आने की हिम्मत नहीं की थी। इसके बाद आया मोहम्मद बिन कासिम, राजा दाहिर जो थे सिंध के और पंजाब के और राजस्थान के, ठीक है, राजा दाहिर के सामने उसने आक्रमण किया और दगा से उसको, राजा दाहिर को मार गिराया वो मोहम्मद बिन कासिम ने, राइट, लेकिन राजा दाहिर के बारे में हमको आज कुछ भी नहीं मालूम है। राजा दाहिर के बाद आते हैं राजा सुहेलदेव। राजा सुहेलदेव कितने पराक्रमी थे, जो हमारे राजपूत राजा थे ना, बड़े धर्मवान धार्मिक लोग थे। धार्मिक लोग क्या थे, दुश्मन को हराया, दुश्मन ने हाथ पांव पकड़ लिए, ये बोलता है मैं तुम्हारी गाय हूं, मैं तुम्हारे शरण में आया, मुझे माफ कर दो, तो माफ कर देते थे। लेकिन राजा सुहेलदेव उनमें से नहीं थे, उसने उनके तरीके से ही लड़ा और उनके तरीके से जवाब दिया, उनको काट के रख दिया। तो ये लोग राजा सुहेलदेव से बहुत डरते थे, राजा सुहेलदेव बहुत पराक्रमी राजा थे, ठीक है। उसके बाद आती है रानी नायका देवी, 12वीं सदी की। नायका देवी गुजरात की रानी थी, उसके हस्बैंड का लड़ाई में मृत्यु हुआ, तो ये रानी ने अपना बच्चे को संभाल के राज का हाथ में लिया। तो मोहम्मद बेगड़ा को लगा कि अभी तो ये मैं जीत जाऊंगा, तो उसने हमला किया, लेकिन रानी नायका देवी ने अच्छा अपना युद्ध कौशल दिखाते हुए, युद्ध रचना करते हुए उसने उसको नपुंसक बना दिया तलवार की दा से, मतलब जो उसका मेन पुरुष का हथियार रहता है वो काट दिया, उसके बाद वो आया नहीं कभी उधर। उसके बाद आती है रामप्यारी गुर्जर। रामप्यारी गुर्जर भी बहुत बहादुर महिला थी और अच्छी योद्धा थी या योद्धी थी, जो आई मीन मुझे मेरा हिंदी थोड़ा लोग क्षमा करना, लेकिन उसने तैमूर लंग को इतना ऐसा मारा था कि तैमूर लंगड़ा भी उसमें ही हुआ था, उसके बाद वही गांव में मर गया। लेकिन ये हमको नहीं बताया गया, हमको क्यों नहीं बताया गया, अगर हमको बताते तो हमारे बहादुर योद्धा के प्रति हमारा सम्मान होता। उसकी जगह पर हमारे को तो ये बताया कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा शाहजहां, और ऐसी ऐसी लंबी लंबी कहानियां चला दी हमारे लिए, और हम लोग बेवकूफ वो सीखते कि कभी हमारे ये हमारे लोगों के बारे में हमने नहीं। तो मैं सोचा मैं आप लोगों को बताता हूं, तो आप लोग थोड़ा इसके बारे में जानिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, तो थोड़े हमारे बहादुर राजा को हम लोग न्याय करेंगे। सबसे अच्छा काम मेरे हिसाब से डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू कर रहे, राजस्थान के जो है बड़े इतिहासकार है, अच्छे चारण है,
और देशभक्त है और अभी वो मेन कार्य कर रहे इतिहास में संशोधन करना और दूसरा कार्य कर रहे पाकिस्तान से जो हमारे हिंदू निजात के आते उसको बसाने का। तो मैं सबसे विनती करूंगा आप लोग एक लोग या दो लोग या दस लोग जो भी मुझे सुनते हैं हो सके तो आप उमेंद्र दत्तू जी का सहयोग करिए, उसका एक फाउंडेशन बनाया है धर्मांश फाउंडेशन या उसमें दीजिए। मैंने हर साल नक्की किया है कॉन्ट्रीब्यूशन करने का, मैं करता हूं तो मैं करता रहूंगा जब तक जिंदा हूं तब तक। आप लोगों के आग्रह है कि आप करिए। इसके बाद राजकुमार तक्षक आते हैं, असम के हम साम्राज्य के एक राजकुमार थे राइट, और उसके कहीं ऐसे कारनामे थे कि उसने 3000 लोगों को लेके 30000 आक्रमणकारियों को काट रखा था, रात में उसके ऊपर आक्रमण किया था और रणसंग्राम में ही अपना बलिदान दिया। तो ऐसे राजा राजकुमार तक्षक सूरवीर थे और 3000 लोगों को लेकर 30000 को काटना कोई आसान चीज है लेकिन उसने किया था। रानी चेलम्मा साउथ की रानी थी, बहुत बहादुर थी और काकतीय राजवंश की एक शक्तिशाली रानी थी और उसकी सेना भी बहुत बहादुर थी। तो उसने अपना साम्राज्य चारों ओर फैलाया था और एक कोई मेरे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है लेकिन जो फार ईस्ट यानी जो कंबोडिया है, वियतनाम है, म्यांमार है, ये अपना थाईलैंड है, फिलीपींस है, वियतनाम, वो सब जगह में जो अपनी हिंदू संस्कृति फैली है तो उसमें भी रानी चेलम्मा का बहुत बड़ा योगदान है उसके अंदर। लचित बोरफुकान, लचित बोरफुकान आसाम के थे और कितने वो हम साम्राज्य के एक वीर सेनापति थे जिन्होंने आसाम पे मुगल आक्रमण को हटाने के लिए उसको ब्रह्मपुत्रा पार नहीं करने दिया। हाँ, और इतनी बहादुरी से उसने लड़ा के कितने सालों तक मुगल उधर जाने की हिम्मत नहीं कर सके, ये है लचित बोरफुकान। अभी थोड़े टाइम पहले मेरे ख्याल से दिल्ली में बहुत अच्छी तरह से उसकी 400वीं जन्म जयंती मनाई गई तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे हमारे वीरों को हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए, हमसे जो बन पड़े वो करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य वो 8वीं सदी के राजा है चालुक्य वंश के, बहुत बड़े थे और उसका बोलते साम्राज्य कितना बड़ा था ये हमारा जो अखंड भारत मतलब पाकिस्तान जो अभी है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, वो तो था लेकिन मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट यानी इराक तक पहुंचता था उसका साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य था और मध्य एशिया में भी था राइट। राजा भोज 11वीं सदी के थे, वो भी बहुत बहादुर और विद्वान थे, उनके राज दरबार में कवि माघ करके थे और कवि कालिदास थे, कवि माघ और कवि कालिदास के बारे में एक दफा फिर मैं बोलूंगा, मेरा खुद का अगर ओपिनियन लिया जाए और इट मैटर्स, कवि कालिदास को ठीक तरह से समझा जाएगा तो उसके सामने शेक्सपियर कुछ भी नहीं है, ऐसी उसकी रचना है, एक रचना है उसको अगर आप मौका मिले तो पढ़ना, मेघदूत का कार्य लिखा है। मेघदूत क्या है, ये यक्ष पहाड़ पे बैठा है, उसको अपनी प्रियतमा याद आती है तो वो प्रियतमा को संदेश भेजने के लिए बादल जो होते हैं बारिश के उसको मेघ बोलते हैं तो उसको दूत बनाया, बोला ये मेरा संदेश आ तो मेरी प्रियतमा के पास पहुंचा। कितनी बड़ी कल्पना शक्ति, इसके आगे क्या है, इसके आगे कल्पना शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। एनीवे तो मैं बस इधर आपको सबको प्रणाम करूंगा एक दफा और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियो सबके साथ शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद पड़ता है तो। हाँ, और हमारी चैनल जो है सनातन शक्ति, इसमें मैं छोटे मोटे कार्यक्रम मेरी शक्ति के अनुसार आपके सामने रखते रहता हूं, आशा है कि आपको पसंद आता होगा। हाँ, पसंद नहीं भी आता है तो आप मुझे बताएंगे तो मैं सब्जेक्ट बदली करूंगा, थोड़ी मेरी स्टाइल भी नहीं पसंद आती है तो वो भी आप बताएंगे तो मैं बदली करूंगा। एक क्षमा याचना चाहता हूं कि मेरी हिंदी में इतनी शुद्ध नहीं होती है, गलतियां क्षमा त्रुटियां होती रहती है तो आपसे क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्णा, जय भारत माता की, और अब की बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार, धन्यवाद।